लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस का आज एक और बड़ा इम्तिहान है। कांग्रेस आज अपने संसदीय दल का नेता चुनेगी। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ये जिम्मेदारी उठाने आगे आएंगे। लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद 52 सीटों पर सिमटी कांग्रेस का आज एक और बड़ा इम्तिहान है, लेकिन पार्टी से बड़ा इम्तिहान उसके अध्यक्ष राहुल गांधी का है। संसद में मुख्य विपक्ष की हैसियत हासिल करने से चूकी कांग्रेस आज अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेगी। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ये जिम्मेदारी उठाने आगे आएंगे। 25 मई को कांग्रेस कार्य समिति के बाद ये कांग्रेस की पहली बैठक है जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो सीपीपी बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी ही करेंगी। 16वीं लोकसभा में पार्टी ने संसदीय दल के नेता का जिम्मा मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया था, लेकिन इस बार ये चैलेंज राहुल गांधी खुद लेंगे या किसी और को आगे कर देंगे। राहुल के चैलेंज कबूलने पर सस्पेंस इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनके पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफे पर अभी धुंध छटी नहीं है। इस बीच राजस्थान गुजरात में पार्टी के अंदर बगावत के अंदेशों से जूझ रही कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ 4 और कांग्रेस विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता और नगर सेवक भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस के राधाकृष्ण विखे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे। बेटे के बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने पर विखे पाटिल को पद छोड़ना पड़ा था। महाराष्ट्र बीजेपी ने दावा किया है कि एनसीपी के भी कई विधायक उसके संपर्क में हैं। खबरों से एनसीपी में खलबली है। लोकसभा चुनावों की हार पर आज मुंबई में एनसीपी की समीक्षा बैठक होने जा रही है। शरद पवार पहले कोर कमेटी की बैठक लेंगे, फिर विधायकों सांसदों की बैठक करेंगे। बैठक इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इसमें एनसीपी के कांग्रेस में विलय पर चर्चा हो सकती है। एनसीपी के कांग्रेस में विलय की खबरों ने 2 दिन पहले शरद पवार और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद से जोर पकड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।